हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेज देने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर किसी भी शॉर्ट की से अपने लैपटॉप की जो ऐपें होती है यानी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं उनको हम लोग ओपन करने वाले हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को, जैसे आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो या फोटोशॉप में काम कर रहे हो तो आप शॉर्ट की से फटाफट वो आप काम कर लेते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आप शॉर्ट की से वो ओपन कर सकते हो जिससे आपका टाइम वो काफ़ी बच सकता है। तो कैसे, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ दोस्तों, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो एक लाइक जरूर करें। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे करना है। तो दोस्तों, कैसे करने वाले हैं अब आपको मैं दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे सपोज कि मुझे VLC प्लेयर है, इसको शॉर्टकट के अंदर करना है तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ प्रॉपर्टीज पे वो इंटर करना है। ध्यान रहे, यहाँ प्रॉपर्टीज पे वो क्लिक करना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो पॉपअप ऑन होगा। इसके अंदर आपको सिंपली शॉर्टकट के अंदर आना है और यहाँ पे आपको शॉर्ट की नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल प्लस अल्ट प्रेस करना है। आपको कैमरे के अंदर दिखा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस अल्ट दबा दिया। अब आप इनमें से कोई सा भी एक वर्ड की है वो दे सकते हो, ABCDXYZ कुछ भी जो आप देना चाहो। जैसे मैंने ए दे दिया, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस अल्ट और ए, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो VLC प्लेयर है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैंने ओके कर दिया, पर यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब देखिए आप कीबोर्ड पे और लैपटॉप के दोनों को आपको मैं कवरअप करके कैमरे के अंदर दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने कंट्रोल दबाया, अल्ट दबाया और यहाँ पे ए प्रेस करूंगा तो सामने आप स्क्रीन पर देखोगे VLC प्लेयर है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैं दोनों साइड ओपन कर रहा हूँ, अब ए दबा रहा हूँ मैं। जैसे मैंने ए दबाया तो आप देख रहे हो कि अपने लैपटॉप के अंदर VLC प्लेयर है वो ओपन हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो VLC प्लेयर है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी शॉर्ट की से सॉफ्टवेयर है उसको एज ए शॉर्ट की के अंदर सेट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप VLC प्लेयर करो, एक्सेल सब सारे जो सॉफ्टवेयर है वो सबको आप एक एक करके वो शॉर्ट की के अंदर वो सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को है वो शॉर्ट की के अंदर सेट कर सकते हो। आई होप मैंने एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाले हैं आपको ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।